हेलो एवरीवन, आज मैं लाई हूँ आपके सामने इंग्लिश का टीचिंग प्लान जो कि क्लास फिफ्थ लेसन द एंड एंड द डव का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर चार कॉलम बना लेंगे जिसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टाइम लिख लेंगे। क्लास में फिफ्थ, सब्जेक्ट में इंग्लिश, टाइम में 40 मिनट और डेट में जिस दिन पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हेडिंग रहेंगे लर्निंग आउटकम। इसके अंदर लिखा जाएगा स्टूडेंट नो अबाउट द आंट एंड कैन आइडेंटिफाइड इट इन देयर सराउंडिंग। सेकंड हेडिंग रहेगी टॉपिक। टॉपिक में लिखेंगे द आंट एंड द डव। थर्ड टॉपिक रहेगा रिक्वायर्ड मटेरियल। इसमें लिखेंगे पिक्चर ऑफ आंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड, वीडियो, दीक्षा ऐप एटसेट्रा। फोर्थ हेडिंग रहेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर हम चार कॉलम खींच लेंगे। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में स्टेप और तीसरे में टाइम, चौथे में मेथड ऑफ असेसमेंट। सीरियल नंबर में लिखेंगे ए और स्टेप में इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग, टाइम में 5 मिनट, मेथड में ऑब्जर्वेशन। अब स्टेप में लिखेंगे प्री नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन विल बी आस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर यू वॉचिंग इन दिस पिक। सेकेंड क्वेश्चन हाउ डज आंट टिक इन द ग्राउंड। थर्ड क्वेश्चन कैन एंड स्विम इन द वाटर। अब सीरियल नंबर में बी लिखेंगे, स्टेप्स में लिखेंगे ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल द मीनिंग ऑफ द टाइटल। सेकेंड डिफिकल्ट वर्ड विल डिस्कस्ड फोकसिंग प्रोनाउंसिएशन एंड एसेंट। थर्ड पॉइंट द सिलेबल ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स विल बी डिस्कस्ड। नेक्स्ट नाउ इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ द स्टोरी विल बी टोल्ड इन हिंदी। सो द स्टूडेंट विल बी टू मेक आइडिया of further reading there in English. Next point, we will read the chapter in English language. After this question will be raised. First question, what is the title of the chapter? How does the aunt help dove? Next, what do you learn from this? अब सीरियल नंबर में सी लिखेंगे, स्टेप में आफ्टर टीचिंग, टाइम में 5 मिनट, असेसमेंट में रिस्पॉन्स। आफ्टर टीचिंग में इसके नीचे लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू नोट डाउन द बोर्ड मटेरियल इन देयर नोटबुक। अब फिफ्थ हेडिंग रहेगी होमवर्क। होमवर्क में लिखेंगे स्टूडेंट विल राइट डाउन द स्टोरी इन ब्रीफ। नेक्स्ट पॉइंट द स्टूडेंट विल लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड एट होम। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा फर्दर टीचिंग प्रोसेस। इसमें लिखेंगे नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस विल बी फॉर्मेट कीपिंग द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन माइंड। तो ये इंग्लिश का टीचिंग प्लान समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये लेसन प्लान समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thanks for watching. Bye-bye.